गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। गर्मियों के सीजन में हमें कुछ ठंडा पीने की हर वक्त इच्छा रहे, इसीलिए आज हम घर पर खरबूजे के बीज में से, जो बहुत ही हेल्दी है, एक टेस्टी ड्रिंक बनाएंगे। ये ड्रिंक घर पर आसानी से बन जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाजार में से जब हम खरबूजे लाते हैं तो उसे हम काटते हैं। काटने के बाद जो बीज निकलते हैं उसे हम फेंक देते हैं। आज मैं आपको इस खरबूजे के बीज में से एक ड्रिंक सिखाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी बनता है, साथ में इतना हेल्दी भी। मिक्सी जार में ये खरबूजे के बीज ले लेंगे। मैंने करीब 2 खरबूजे के बीज लिए हैं। उसमें हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और आइस क्यूब डालकर इसको चन कर लेंगे। इस क्रस्ट को अब हम छान लेंगे। खरबूजे के बीज बहुत ही हेल्दी होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, साथ में उसमें विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है। मैंने खरबूजे के बीज को छान लिया है और जो ये बचा है उसे हम फेंक देंगे। इसी में हम डाल देंगे 1 ग्लास चिकना पानी, 4 चम्मच हम चीनी डालेंगे, चीनी का पाउडर डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह जल्दी से घुल जाए। अगर आप साबुत चीनी डालेंगे तो जरा जल्दी थोड़ा टाइम लगे। इसे मिक्स कर लें। आप चाहें तो इस शरबत को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर हम इसे और थोड़ा चटपटा बनाएंगे। मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं 1/2 ग्लास पानी और डालती हूँ। 2 खरबूजे के बीज में से करीब 4 से 5 ग्लास सर्विंग हो सकती है। इसमें हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, 1/2 टीस्पून से भी कम काला नमक, ⅛ टीस्पून से जितनी हम डाल देंगे काला नमक और एक बार उसे मिक्स कर लें। इस टाइम पर आप इस कूलर का टेस्ट चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना लेमन जूस, जिससे हमारा कूलर बहुत ही चटपटा बने। अब इस शरबत को हम सर्व कर लेंगे। सबसे पहले हम डाल लेंगे थोड़ा सा पुदीना। पुदीने से ये ड्रिंक बहुत ही रिफ्रेश लगेगा। आइसक्यूब डाल देंगे। गर्मियों में बाजार के ड्रिंक की बजाय इसी तरह के कूलर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये हेल्दी ड्रिंक आप भी एक बार जरूर ट्राई करें।